अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं सच न्यूज। पेश है आज की अहम खबर। आए दिन शहर हैदराबाद में ऐसे वाकये सुनने और देखने में आ रहे हैं कि शौहर अपनी बीवी को हरासा कर रहा है, पर ये वाकया ऐसा है जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने आंखों में आंसू ला लेंगे। देखिए हैदराबाद गोलकुंडा की रहने वाली खातून नायदा बेगम का बयान। उनके मुताबिक उनके शौहर ने उन्हें 22 दिन तक एक रूम में बंद कर रखा था। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नादिया बेगम है, मैं गोलकुंडा किले के रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड मोहम्मद फैयाजुद्दीन जो मशीराबाद के रहने वाले हैं, उनका बिजनेस कारपेंटर का है। एडिशनल डाउरी के लिए हरासमेंट करके उनके माँ बाप के साथ और भाई मोहम्मद नियाजुद्दीन के साथ मिलके मेरे को किराए के घर में 22 डेज लॉक करके रखे। खाने से पीने से हर चीज़ से तरसाए। सिर्फ लॉक के जाविया ओनर के पास अल्ताफ के पास रहते थे, जो पानी के लिए खोले तो खोलते थे, नहीं तो नहीं। मेरे को पानी तक मेरे माँ बाप के घर से मिलता था। व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे फैमिली के अगेंस्ट वायरल साइबर क्राइम कर रहे हो, जिसके लिए हम गोलकुंडा पीएस में कंप्लेन करे। एक्नॉलेजमेंट पेपर देके वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो लोग ट्रांसफर सीसीएस साइबर क्राइम को करे, वहाँ पर भी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। ये देख सकते हैं आप ये पेपर में उनका व्हाट्सएप स्टेटस, मेरे फैमिली मेरे भाई सबको लिखे उन्होंने और हमारे विटनेसेस को भी ये बोल कर धमका रहे कि अगर हमारे पास आके हमारे अकॉर्डिंग अगर उन्होंने विटनेस बन के चले तो अच्छा है, नहीं तो उनको भी ऐसे उनका भी वायरल वीडियो बना के व्हाट्सएप स्टेटस रख के उनको भी बदनाम करेंगे बोल के बोल रहे हैं। फरवरी 16 को उन्होंने ये स्टेटस रखे उनका। हम जब जो है सो जाके यहाँ पे पीएस में कंप्लेन करे, गोलकुंडा पीएस वाले ट्रांसफर कर दिए साइबर क्राइम को। साइबर क्राइम वाले 5 डेज हो रहा हम कंप्लेन करके, अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस बोलकर कहा जाता है, लेकिन वो फ्रेंडली पुलिस बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसलमानों की कोई मदद नहीं कर रहा। इस खातून के शौहर फैयाजुद्दीन ने इन्हें डाउरी के लिए हरासा किया था और नायदा बेगम के मुताबिक उन्होंने कई बार पुलिस में कंप्लेन दर्ज की थी, पर पुलिस ने फैयाजुद्दीन के ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया था। अब देखना है कि नायदा बेगम को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तो हर सच्ची खबर पर रखने अपनी नजर, देखते रहिए सच न्यूज। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की रिपोर्ट। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलमपनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलमपनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलमपनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलमपनाह, आलमपनाह, आलमपनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलमपनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 0402450-1565।